Hey everyone, welcome to Spell Bay. Let's talk about the unhealthy culture that mukbang influencers encourage. तो इसके बारे में पहले भी हमने बात किया था. But recently I saw something which made me realize that ऐसे mukbang influencers are lying to their audience. तो मैडी करके ना एक इंडियन mukbanger है जिसका ये वीडियो recently I saw. Today I'm going to eat a full tub of hot chocolate with crunchy chocolate eggs, huge chocolate bars. इमेंस अमाउंट में स्वीट्स वो खा रही थी एंड ये चीज कंसर्निंग है. लाइक ईटिंग सो मच चॉकलेट इज नॉट एट ऑल हेल्दी एंड ये बेसिक्स ना सबको पता है. देन आई इवन वेंट थ्रू द रेसिपी जो फॉलो किया था ये फूड बनाने के लिए. केक वगैरह कैसे बनाया गया है उसका रेसिपी आई वॉज सीइंग जस्ट टू बी श्योर कि एक्चुअल में ये सब इतना मीठा था कि कुछ इंग्रेडिएंट्स उन्होंने अल्टरनेट वे से यूज किए हैं सो दैट खाना इतना मीठा ना हो जाए एंड ये सब वो स्किप कर पाए. तो रेसिपी देखने के बाद इट वॉज वेरी क्लियर कि इन सब आइटम्स में ना भर भर के शुगर डाला गया है. कोई ऐसे अलग वे से नहीं बनाया गया है जिससे थोड़ा बहुत वो हेल्दी हो जाए. एंड ये चीज कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि इतना शुगर अगर आप कंज्यूम करोगे ना देन आपके बॉडी में शुगर का लेवल स्पाइक होगा एंड दैट इज वेरी रिस्की. नाउ यू मे से कि अरे एक बार खा लिया तो क्या हो जाएगा. अरे बट एक बार में इतना ज्यादा खाओगे ना देन देर इज अ चांस दैट थिंग्स मे गो रॉन्ग वेरी क्विकली. इसी वजह से कॉमेंट्स में भी कई लोगों ने ये चीज को पॉइंट आउट किया. प्लीज डोंट रिस्क योर हेल्थ, यू कैन ईट इन अ लिमिट एंड स्टिल एंजॉय. I feel my blood sugar rising drastically just from watching this video. The body has a limit to how much sugar it will tolerate in one sitting. Take care and everything in moderation. जब मैडी ने इतना एक्सट्रीम अमाउंट में फूड कंज्यूम करने का हैबिट स्टार्ट किया था ना तब शी जस्टिफाइड दिस डाइट ऑफ हर्स बाय सेइंग कि शी फॉलोज ओमाड डाइट जिसका मतलब है वन मील अ डे डाइट. वो पूरा दिन कुछ नहीं खाती उसके बाद वो इतना सारा खा लेती है. तो ये डाइट वाया उसने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा. पर मैडी की फ्रीक्वेंसी देख के इट सीम्स लाइक कि इवन इफ शी फॉलोज दिस डाइट स्टिल इट वॉन्ट हेल्प द सिचुएशन क्योंकि वो जितने दिन का गैप ले रही है ना ये पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए दैट इज नॉट इनफ फॉर हर बॉडी टू फ्लश दोज थिंग्स आउट एंड इट इज वेरी हार्ड टू मेक दिस मेथड हेल्दी. कोई भी रूटीन आप फॉलो करो इट इज अनहेल्दी ओनली एंड दैट इज द रीजन कि ओवर द इयर्स ना मैडी में चेंजेस देखने मिले हैं. ये सब सिनेरियोस देख के इट इज वेरी एविडेंट दैट वन मील अ डे टेक्निक ना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. एंड इवन मैडी के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ये भी था Now there is a no chance. She has turned officially into Nikocado Avocado. तो ये जो पर्सन है ना वो एक फॉरेन यूट्यूबर है जिसके साथ भी ना सेम चीज हुआ है. जब उसने स्टार्ट किया था तब वो काफी फन लविंग पर्सन था. स्मॉल पोर्शंस में वो खाना खा रहा था बट धीरे धीरे ना उसे ऐसा मुकबैंग करने का आदत हो गया. देखते ही देखते ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम हेल्दी लुकिंग गाय टू दिस पर्सन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. 2016 में वो ऐसा दिखता था एंड अभी 2023 में ही हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड. उसका करंट हेल्थ सिनेरियो ऐसा है ना कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. इवन इमोशनली भी वो काफी स्ट्रगल कर रहा है. देन अपने एक दोस्त को भी उसने ये सब में ड्रैग किया था. वो दोस्त भी इतना सारा खाना खाने के चक्कर में ये स्पाइरल में फंसता गया. यहाँ पे आपको कुछ फोटोज मिलेंगे 2016 है ना अभी के. तो Nikocado का जो फ्रेंड है ना उसने भी अपना हेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया एंड रिसेंटली वो सीन ब्लेमिंग निकोलस जो Nikocado का ना एक्चुअल नाम है दैट उसकी जिंदगी उसने खराब कर दी एंड ही वॉज क्राइंग अ लॉट कि उसने उसको ये सब में ड्रैग किया एंड अभी वो डिस्ट्रॉय हो गया है. You ruined my life. You ruined my life. ये पॉइंट पे दे कांट गो बैक ऑल्सो. इट इज हार्ड फॉर देम टू स्टॉप एंड चेंज देयर हैबिट्स. हेंस दे हैव कंटिन्यूड दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड कई मुकबैंगर्स की ना जान भी गई है ऐसे हैबिट्स की वजह से. इट इज अ सैड थिंग बट दैट इज द हार्श रियलिटी. दो रीजंस उस पॉइंट पे डिफरेंट होंगे बट कई डॉक्टर्स ने ये कंक्लूजन बनाया था कि वो लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ना दिस हैपेंड. एक मुकबैंगर था सुन नाम का जिसका एज सिर्फ 19 इयर्स था बट कुछ साल पहले ही पास्ड अवे. वो भी एक्सट्रीम पोर्शंस में खाना कंज्यूम करता था. तो इट इज बेटर टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कल्चर ऑफ ईटिंग फूड इन सच एक्सट्रीम अमाउंट्स. आपने नोटिस किया होगा कभी कि ऐसे क्लिप्स देखने के बाद ना आपको भी मन करता होगा मल्टीपल आइटम्स मंगा के खाना खाने का साथ में वगैरह. नान मंगा लो, राइस मंगा लो, उसके साथ कुछ और मंगा लो जबकि आपका एपेटाइट उतना होगा भी नहीं. या किसको नूडल्स खाते हुए अगर आपने देख लिया तो यू फील लाइक कि किचन में जाके मैगी बना लेते हैं. ऐसे क्रेविंग्स होते हैं. अननेसेसरली चीजें कंज्यूम करने का मन करता है जस्ट टू गेट दैट टेस्ट एंड टेक्सचर का फील इन योर माउथ क्योंकि कुछ देर पहले आपने किसी इन्फ्लुएंसर को ऐसे खाते हुए देखा होगा. एंड इवन मैडी के केस में भी ना सेम एज Nikocado वो भी अपने फैमिली मेंबर्स को ना वीडियो में फीचर करती रहती है. मॉम को, डैड को, ब्रदर को, उनको भी इतने पोर्शंस वो देती है कंज्यूम करने के लिए. एंड डाउन द लाइन यू नेवर नो उनके लिए भी ये चीज नॉर्मल हो जाएगी. वो भी शायद फ्रीक्वेंटली ऐसे वीडियोस में आते रहेंगे. जब आप यंग होते हो तो बॉडी कोप कर लेता है. ऐसे हैबिट्स के साइड इफेक्ट्स कितने वरीसम हो सकते हैं ये रियलाइज नहीं होता बट आफ्टर 10 इयर्स और 15 इयर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन अफेक्ट यू नॉट ओनली फिजिकली बट इवन मेंटली.
एंड सडनली उठ के ऐसी चीजों को रिवर्स करना भी इजी नहीं है. एट टाइम्स डैमेज जो है ना वो रिवर्स भी नहीं हो पाता. एंड चलो मैडी जो है वो एटलीस्ट थोड़ा प्लेजेंट वे में ना फूड कंज्यूम करती है. अदरवाइज देर आर पीपल इन दिस कैटेगरी जो इतना खराब वे से खाना हैंडल करते हैं ना दैट इट इज वेरी अपसेटिंग बिकॉज इट सीम्स एज इफ वो खाने की ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जस्ट टू मेक सच वीडियोज. एंड में ऐसे खाने की वजह से ना वो खुद खाना एंजॉय कर पाते हैं ना वो खाना उनके बॉडी को लगेगा, तो इट इज लाइक वेस्टिंग फूड. एंड ये कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग भी है ना जो काफी सालों से फेमस है एंड स्टिल दे हैव नॉट पुश देयर लिमिट्स. ऐसे अब्सर्ड चीजें वो नहीं करते, पोर्शंस वो लिमिटेड लेते हैं, आराम से एंजॉयबल वे से दे कंज्यूम फूड. एंड उनके फॉलोवर्स भी काफी ज्यादा है, तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है दैट बहुत ज्यादा यू हैव टू कंज्यूम एंड वो भी अजीब तरीके से, फिर ही जाके आप फेमस होंगे. इन केस अगर किसी को ये कैटेगरी में आना भी है तो जरूरत नहीं है कि ऐसे एक्सट्रीम अमाउंट्स में आप खाना खाओ. एंड कीप दिस इन माइंड कि काफी कम मुकबैंगर्स एक्चुअल में ना इतना खाना दिखा के फिर खत्म भी करते हैं. सब आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाते, मेजोरिटी पीपल आर फूलिंग यू. जो दिखाया जाता है जितने पोर्शंस दिखाए जाते हैं वो सब वो नहीं खाते. कैमरा रिकॉर्डिंग को पॉज करके वो एट टाइम्स खाना निकाल देते हैं प्लेट से, या कभी कभी एक गो में नहीं खाते, पूरे दिन में ब्रेक ले लेके दे कंज्यूम, या एट टाइम्स खाना वेस्ट कर देते हैं. नीचे प्लास्टिक बैग रखते हैं जिसमें वो थूक देते हैं खाना. एक मुकबैंगर थी जो ऐसा करते हुए पकड़ी गई है. उसने वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे पर वो पार्ट डिलीट करना वो भूल गई जहाँ पे वो प्लास्टिक बैग में सब डाल रही है एंड उसके फॉलोअर्स ने वो देख लिया. सो पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड द कैमरा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम खाना वेस्ट होता ही है. कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि बचा हुआ चीज फैमिली मेंबर्स खाते होंगे, पर आप ही सोचो कि किसका झूठा कोई कैसे खाएगा, वो भी जब इस तरीके से खाना खाया जा रहा है, ग्रेवी डाल के चावल उठाया जा रहा है एंड फिर चावल वापस प्लेट में गिर रहा है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई मुकबैंगर्स डस्टबिन में डालते होंगे चीजों को, बट अगर कोई सेंसिबल होगा तो हो सकता है कि वो लेफ्ट ओवर्स ना किसी स्ट्रे एनिमल को दे दे. एटलीस्ट कुछ तो अच्छा निकले ये सब में. एंड फैक्ट यहाँ पे ये है दैट ऐसे डाइट को जस्टिफाई करना इज वेरी हार्ड. मैट स्टोनी करके एक फेमस फॉरेन इन्फ्लुएंसर है, वो भी ऐसे वीडियोस के लिए फेमस है. एक बार ना वो एक रेस्टोरेंट में गया था जिसका ओनर ओपनली ये बोलता है दैट हम लोग ह्यूज पोर्शंस में इमेंस अमाउंट में चीज डाल के वगैरह ना कस्टमर्स को बर्गर देते हैं, काफी पैटीज डालते हैं, बटर चीज सब डाल के दे देते हैं. एंड दे आर सेइंग आल्सो कि इट इज अनहेल्दी, पीपल शुडंट कंज्यूम दिस, फिर भी लोग जाके वो बर्गर खाते हैं. उनका जो रेस्टोरेंट का नाम है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. एंड ऐसा नाम उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि इनके रेस्टोरेंट में ना खाना खाने के बाद कई लोगों के साथ ये हो चुका है. इनका ग्रिल काफी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज कई लोग इतने पोर्शंस में खाना खाने की वजह से ना रेस्टोरेंट के अंदर ही फेंट हुए हैं, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा है, इवन कुछ लोगों की जान भी गई है. बट ओनर के चाहने वालों का यहाँ पे कहना है दैट ही इज नॉट लायबल क्योंकि कस्टमर्स खुद के चॉइस से ऐसे अनहेल्दी फूड आइटम्स को कंज्यूम करने वहां पे जाते हैं. ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे दूसरे लोग ऐसे बर्गर बनाते हैं जस्ट दैट वहाँ का ओनर ओपनली ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीजें अनहेल्दी है. तो एट टाइम्स लोगों को ना खुद को पुश करने में एक अलग मजा आता है एंड दैट इज रियली मेस्ड अप. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है ऐसे मुकबैंग इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, इतने अमाउंट में स्वीट्स को कंज्यूम करना, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.